हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मसल एंड फिटनेस इंडिया। आज का जो वीडियो है वो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में लेके आया हूँ। आज मैं किचन में खड़ा हूँ और मैंने सोचा कि एक डिश बनाई जाए, एक न्यूट्रिशियस डाइट के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं बॉडी बिल्डिंग में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जो कि मैं आजकल ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। और मैं उस डाइट को फॉलो करने के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता हूँ। बट जो मैंने ये एक्सपेरिमेंट एक दो दिन पहले किया था वो काफी सक्सेसफुल रहा और मुझे बहुत इसका टेस्टी लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग भाई लोग मेरे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी मैं ये चीज दिखाऊं और उनको भी बताऊं कि ये चीजें खा के आप अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अगर लीन गेनिंग पे है तो भी आप इसको खा सकते हैं, आप मास गेनिंग पे है तो भी इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, आप गेनिंग पे है तो भी इस चीज को आप खा सकते हैं। एक्चुअली प्रोटीन रिच डाइट मैं कहूंगा, ये एक डिश है जिसका नाम है चिकन ब्रेस्ट। तो मैंने इसका टैगलाइन ये बनाया है इस वीडियो का कि माय वे ऑफ मेकिंग चिकन ब्रेस्ट डिश। तो किस तरह आप इसको बना सकते हो, इसमें मोस्टली 90% जो मैंने चीजें इसमें यूज की हैं, इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें यूज किए हैं वो फैट फ्री हैं और काफी हेल्दी हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैंने ये चीजें यूज करके इसको बनाया और काफी टेस्टी ये पहले बनी चुकी है और मैंने आज फिर सोचा कि मैं दोबारा बनाऊं। मैं इसी बहाने में खा भी लूंगा और एक वीडियो आपको दिखा भी दूंगा ताकि आप भी इस चीज को आगे जाके खा सके और अपनी बॉडी को मेंटेन रख सके और अपनी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटीन डाइट ले सके। जब आप लोग वर्कआउट करते हो आप लोगों को काफी कोच और ट्रेनर्स जो भी हैं जो लोग आपको गाइडेंस देते हैं वो ये कहते हैं चिकन ब्रेस्ट खाओ, बॉइल्ड चिकन खाओ, ये खाओ वो खाओ। बट ये जो डिश है आप कभी भी खा सकते हो, आप डिनर में भी इसको खा सकते हो, लंच में भी इसको आप खा सकते हो, अगर ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन डाइट लेना चाहते हो। वैसे तो बहुत जरूरी होती है प्रोटीन रिच डाइट और गुड कार्ब्स के साथ साथ गुड फैट्स भी हमें चाहिए होते हैं ब्रेकफास्ट में। तो अगर आप प्रोटीन भी रिच डाइट में लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका फुल डे जो है वो काफी अच्छा जाएगा। चाहे आप वर्कआउट करते हो या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो या फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो, तो अगर आप ब्रेकफास्ट में अपना प्रोटीन रिच डाइट रखोगे या अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट जितनी ज्यादा लोगे ब्रेकफास्ट में तो आपका फुल डे जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ये वाली जो डिश है आप कभी भी खा सकते हो। किस तरह मैंने इसको कुक किया है और किस तरह बनाया है आप भी इसको देखना, आप इंजॉय करना। और मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने इसकी ये मेकिंग करी है, किस तरह मैंने इसको कुक किया है। ब्रेस्ट का रेसिपी जो कि आप खाओगे तो आपको काफी अच्छा एक टेस्ट मिलेगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको एक घंटे या आधे घंटे बाद खाओगे तो जो ब्रेस्ट होती है वो हार्ड होने लग जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आपको जितनी खानी हो उतनी आप इसको कुक करें और साथ के साथ इसको खा लें ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे मेरी नई नई वीडियोस की। जल्दी मिलता हूँ फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।